नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी की पीरियड में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा था? अ से यहाँ तक के स्वर देखे, क से ज्ञ तक की वर्णमाला देखी, लेकिन आज हम नया शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बारह खड़ी। क्या करने वाले हैं शुरू? बारह खड़ी। तो देखिए यहाँ बोर्ड पे क्या है, अ से यहाँ तक के वर्ण है। अब अ से यहाँ तक के ये जो स्वर होते हैं उन्हीं को हम जो वर्ण होते हैं उनको जोड़ते हैं, उनसे बारह खड़ी बनती है। तो ये जो अ से यहाँ तक के स्वर है उनके ये क्या है, मात्राएं है। क्या है ये? मात्राएं, और उनकी ये मात्राओं के चिन्ह है। तो देखिए यहाँ ये क्या है, अ। क्या है? अ। तो अ की मात्रा नहीं होती, अ की मात्रा नहीं होती। जैसे कि क है तो क को मात्रा लिखते टाइम हम क को अ की मात्रा लिखते टाइम सिर्फ क ही लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, आ। तो आ की कौन सी मात्रा है? खड़ी, लाइन या डंडा बोलते हैं उसको, ये है आ की मात्रा। ये छोटे ई की मात्रा। ये कौन सी मात्रा है? बड़े ई। बड़ा ई है, बड़े ई की मात्रा है। अब छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा। और इसे कहते हैं ए की मात्रा, ये ए की मात्रा। ये है ओ की मात्रा। यहाँ है खड़ी लाइन और दो सर्कल लाइन दी है, उसको बोलते हैं अ की मात्रा। यहाँ एक बिंदु है सर के ऊपर, उसे बोलते हैं अम की मात्रा। और दो जो डॉट दिए हैं, जो दो बिंदु दिए हैं, उसे कहते हैं विसर्ग। ये है आहा की मात्रा। तो यही सारे चिन्ह लगा के हमें क्या पढ़ना है आज? बारह खड़ी पढ़नी है। और कौन सी बारह खड़ी पढ़ेंगे हम आज? क की बारह खड़ी। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने अ से यहाँ तक स्वर देखे और उनके चिन्ह देखे, तो आज हम पढ़ रहे हैं क की बारह खड़ी। अब उसको पढ़ा कैसे जाता है और कैसे लिखना है वो हमें आज सीखना है, और वह मैं आपको सिखाऊंगी। देखो ये क्या है, क। क्या है? क। अब इसको कैसे पढ़ना है हमें? बारह खड़ी पढ़ते टाइम क को अ की मात्रा क, और वैसे ही लिखना है क को अ की मात्रा क। अब अ की मात्रा में कुछ भी नहीं लगता, ना आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, कुछ भी नहीं। क को अ की मात्रा क। अब यहाँ है क को आ की मात्रा। आ की मात्रा ये क्या होता है? ये ऐसा खड़ा डंडा, ये है आ की मात्रा। क्या कौन सी मात्रा है? आ की। अब क को आ की मात्रा लिखना है हमें, तो क्या है यहाँ लिखना हमें? क। क को आ की मात्रा का। कैसे पढ़ा जाता है इसको? क को आ की मात्रा का। अब क को आ की मात्रा के बाद आ के बाद क्या आता है? छोटी ई। अब छोटी ई की मात्रा लिखते टाइम कौन से साइड से लिखनी है हमें वो? जैसे कि अब हम ऐसे लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से। अब बोलते टाइम भी ऐसे बोला है, क को छोटे ई की मात्रा की। यानी आपको लिखते टाइम समझ में आना है कि कौन से हैंड की साइड से लिखना है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, क को छोटे ई की मात्रा की। अब क को बड़े ई की मात्रा की। क को बड़े ई की मात्रा की। और जब भी हम हिंदी लिखते हैं तब कौन सी लाइन में लिखते हैं? बीच की तीन लाइन में, ऊपर और नीचे की एक एक लाइन छोड़ के। अब क को छोटे उ की मात्रा कु। कौन सी साइड में देनी है छोटे उ की मात्रा? ये वाली साइड में। क को छोटे उ की मात्रा कु। क को बड़े उ की मात्रा कु। तो ये इस साइड में देनी है, क को छोटे उ की, बड़े उ की मात्रा कु। ये है छोटे उ की मात्रा और ये है बड़े उ की मात्रा। अब बड़े उ के बाद आता है ए। तो देखिए क को ए की मात्रा के। उसको क्या किया है? सर के ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन दी है, ये है ए की मात्रा। क को ए की मात्रा के। क को ए की मात्रा कै। यानी दो लाइन देने हैं, क को ए की मात्रा कै। क को ओ की मात्रा को। क को आओ की मात्रा क। क को आओ की मात्रा क। क को अम की मात्रा कम। अब क को आहा की मात्रा
अपवाह की मात्रा कहा। तो ठीक है बच्चों, देखिए एक बार हम वापस से उसको पढ़ेंगे। ये क्या है, क को अ की मात्रा क, क को आ की मात्रा का, क को छोटे की मात्रा की, क को बड़े की मात्रा की, क को छोटे उ की मात्रा कु, क को बड़े उ की मात्रा कु, क को ए की मात्रा के, क को ए की मात्रा कै, क को ओ की मात्रा को, क को औ की मात्रा कौ, क को अंग की मात्रा कम, क को अहा की मात्रा कहा। तो आज की तासिका में हम इतना ही लेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये टॉपिक कैसा है, नया है। तो आपको ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसकी क्या करनी है, घर पे प्रैक्टिस करते हैं और फिर अगले पीरियड में मिलेंगे। बाय।